Assalamu alaikum ji, so welcome back to another video. Today we are going to talk about ARC number. What is ARC number? The last video is about that what to do after landing in Cyprus. So first of all, how are you? Hope so you are all doing well. Today jo hamara main motive hai wo hai ARC number ke bare mein. What is ARC number? Jo Cyprus mein hain, jo aa rahe hain ya phir jo plan kar rahe hain, unko thoda bahut knowledge hogi ARC wagaira ke bare mein. ARC ko hum dusri zuban mein immigration bhi kehte hain. Immigration ya ARC number. Jab immigration ho jati hai tab hame phir ek paper milta hai, uske upar ARC number wagaira sab kuch likha hota hai. Ye kya hai, ye kyun chahiye hota hai, iska kya benefits hai. Today we are going to talk about all of this. Bhaijan, aap log Cyprus mein land ho gaye, aap logon ne jo pehli video mein jo kaam maine bataya wo aap logon ne आपने बैंक स्टेटमेंट बना लिया, उसको कॉन्टैक्ट बना लिया, आपने बैंक अकाउंट बनवा लिया. नाउ द मेन चीज इज के आपने करवानी है इमिग्रेशन. सो इमिग्रेशन कैसे होगी? आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे जमा करवाने हैं अपने कॉलेज के अंदर. कॉलेज वालों को आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, उसके बाद कॉलेज वालों ने आपकी इमिग्रेशन की डेट लेकर देनी है. जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर. इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जब आप जाएंगे तब आपके वो सिग्नेचर लेंगे, आपकी पिक्चर लेंगे, दैट्स इट. ठीक है, ये आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी. और आफ्टर 2 आवर्स आपके कॉलेज के अंदर वो आपकी इमिग्रेशन स्लिप आ जाएगी. तो ये होगी जी इमिग्रेशन स्लिप. अब इसके फायदे क्या है? इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं. जब आप साइप्रस में लैंड होते हैं, साइप्रस का रूल है कि जब तक आपकी इमिग्रेशन नहीं होती आप जॉब नहीं कर सकते. एक जॉब तो वैसे हम 6 महीने तक नहीं कर सकते लीगली, बट इमिग्रेशन होने से पहले तो हम वैसे भी नहीं कर सकते. इमिग्रेशन होने से पहले कौन सी जॉब्स हैं, इमिग्रेशन होने के बाद कौन सी जॉब्स हैं, ये आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. टुडे हम जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे, टुडे हम बस ये बात कर रहे हैं कि आपका एआरसी नंबर होता क्या. सो एआरसी नंबर इमिग्रेशन होती है. ठीक है, जब इमिग्रेशन हो जाएगी आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा होगा एआरसी नंबर. उसका आपको बेनिफिट बताता हूँ क्या. आपकी इमिग्रेशन हो गई, आप लोग जॉब ढूंढने गए रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं पे जॉब ढूंढने गए, वो कहते हैं कि आपकी इमिग्रेशन हो गई है या पिंक स्लिप है इमिग्रेशन. तो ये चीजें मांगते हैं. तो जॉब ढूंढने जाएंगे तो कहते हैं कि आपके पास इमिग्रेशन है या पिंक स्लिप है. तो पास दोनों चीजें ना होगी तो आपको जॉब नहीं देती. ये दोनों चीजों में से कुछ एक होगा तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, आप कहेंगे जी मेरे पास है ये एआरसी नंबर, ये मेरी इमिग्रेशन हो चुकी है, ये मेरा एआरसी नंबर है, तो वो आपकी जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, इमिग्रेशन होने से पहले जॉब मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. मिल जाती हैं बट मुश्किल से मिलती हैं. ठीक है, इमिग्रेशन होने के बाद आपको जॉब जो है वो मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं. ठीक है, लेकिन जो असल जॉब का सर्कल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जब आपके पिंक कार्ड आता है. लाइक 6-7 मंथ के बाद आपका पिंक कार्ड आता है तब असल जॉब का जो सर्कल है वो स्टार्ट होता है. क्योंकि तब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जो मर्जी जॉब करते रहे, ड्रेवरी रेस्टोरेंट जो मर्जी जॉब करें, तब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. लेकिन जब आपके पिंक कार्ड नहीं आता उससे पहले थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है. लेकिन हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा ही कमा रहा है, हर बंदा अपने खर्चे पूरे कर रहा है. ठीक है, तो ये सीन है. पहले रिस्ट्रिक्शन थोड़ी होती है, बंदा कर सकता है. ठीक है, एक दूसरी बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि ब्रो जब आप यहाँ आ रहे हो तो इतना सोच के आना कि आप जाते साथ ही पहले मंथ से ही घर पे पैसे भेजना शुरू कर देंगे. को 3-4 मंथ मिनिमम, 3-4 मंथ ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3-4 मंथ तो आप ये भूल जाएं कि आप पीछे घर पैसे भेज सकते हैं. ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर करेगा तो आप इजिली आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें करेंगे. ठीक है, तो ये सी आज वीडियो की एआरसी नंबर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है. ठीक है, एआरसी नंबर इमिग्रेशन को कहते हैं. इसके बेनिफिट ये है कि आपको जॉब मिल सकती है, जॉब मिलने में आसानियां होती हैं. ठीक है, जिसके पास जाएंगे जॉब लेने में आपसे पूछेगा कि इमिग्रेशन हो गया तो उसको वो पेपर दिखा सकते हैं. ठीक है, देन आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा. और ये एआरसी नंबर की वजह से ही आपका एक साहब का ये जो है ना पिंक कार्ड के लिए अप्लाई होता है. ये करवाएंगे तो आपका पिंक कार्ड के लिए अप्लाई होगा. जैसे हमारी इमिग्रेशन होगी ना तो हमारी 5-7 मंथ के अंदर हमारी पिंक कार्ड आ जाएगी. ठीक है, हमारा एक पिंक कार्ड के लिए अप्लाई हो गया. होप सो कि आपको आज की वीडियो की समझ आ चुकी होगी. एआरसी नंबर के बारे में आपका डाउट क्लियर हो चुके होंगे. अगर अभी कोई आपके कोई डाउट्स हैं, कोई आप क्लियर करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा. ओके, अभी के लिए इजाजत दें, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.